हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम एक्सेल का फोर्थ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट शॉर्टकट पे बात कर लेते हैं। हमारा पहला शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ स्पेस। ठीक है, इससे क्या होगा, रो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें कॉलम सिलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट के साथ, नहीं गलत, कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस। ओहो, ये एक्चुअली मर्ज हो गया, सब सेल मर्ज है, इसको मैं थोड़ा और मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट होम एंड एम यू। तो अब मैं इसको रो सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम। तो कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है मेरा, शिफ्ट स्पेस से रो। अब शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट हो गया, मुझे रो ऐड करना है। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस का साइन, ये प्लस वाला साइन, रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एक्शन जो कोई नया लास्ट हमने जो एक्शन परफॉर्म किया उसको रीडू करना है, उसको रिपीट करना है, तो हम कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे F4 दिख नहीं रहा, इसको सेटिंग करना पड़ेगा, लेकिन आप कीबोर्ड F4 प्रेस करोगे ना तो जो लास्ट एक्शन आपने किया तो रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब इसको इसको माइनस करना है, क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा रो मैंने ऐड किया उसको माइनस करना है। तो शिफ्ट स्पेस साथ मैं शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, और हमने रो ऐड करने के लिए क्या किया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, लेकिन हमें डिलीट करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट माइनस करना है, और कुछ नहीं करना, कंट्रोल माइनस शिफ्ट यूज नहीं होगा यहाँ पे। और हमने कॉलम के लिए क्या किया था, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, तो कॉलम सिलेक्ट हो गया, हमें कॉलम ऐड करना है। हम क्या करेंगे, वापस ऐड के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, रीडू के लिए F4। ठीक है, और माइनस करना है तो सिर्फ कंट्रोल के साथ माइनस, और रीडू के लिए F4, मतलब डिलीट करने का ऑप्शन। फिर हम देखा डिलीट रो। अच्छा, मैंने इंसर्ट रो हो गया अपना, डिलीट रो हो गया। इंसर्ट रो या कॉलम दोनों के लिए होता है, या कॉलम। ठीक है, और ये इंसर्ट रो या कॉलम दोनों के लिए होता है, बस सिलेक्ट कर लो एक बार, उसके बाद कर दो। अब ये डेटा फिट करने के लिए ये ऑल्ट ओ सी, देखो यहाँ पे डेटा बॉक्स से बाहर जा रहा है, हमें इसको फिक्स पूरा डेटा को इस बॉक्स के अंदर या इस सेल के अंदर लेके आना है। तो कंट्रोल ए करेंगे तो स्पेस के अलावा जितने भी एरिया थे सब कवर हो गए। अब मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट, फिर ओ, फिर सी, फिर ए, इससे क्या करो रो फिट बॉक्स में फिटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब स्पेशल पेस्ट आपको याद दिलाता हूँ, लेक्चर 3 में हमने बहुत कुछ किया था, आपको याद होगा, हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, ऑर्डर कॉस्ट निकाला था, कमीशन ऑफ एजेंट निकाला था। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अपना फॉर्मूला बार में सब आपका क्या है, आपका सारे चीज यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला में है। ठीक है, सारे चीज फॉर्मूला में है, लेकिन हम क्लाइंट को डेटा देंगे, मानो वो क्लाइंट हमसे बोलता है एक्सेल डेटा दो। ठीक है, और तो हम दो किस में दे सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे सकते हैं, वो हम आगे फ्यूचर क्लास में देखेंगे, लेकिन हमें डेटा देना है क्लाइंट को। लेकिन हम चाहते हैं फॉर्मूला ना रहे, क्योंकि मानो डेटा क्लाइंट ने कुछ गलती किया तो पूरा फॉर्मूला से साथ छिड़खानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, फिर ऑल्ट ई एस, फिर पूछे क्या पेस्ट करना है, फॉर्मूला ही पेस्ट करना है, वैल्यू पेस्ट करना है, वैल्यू पेस्ट करना है, अभी थोड़ा कमेंट पे आएंगे आगे फ्यूचर में, वैल्यू पेस्ट करना है, इंटर कर देंगे हम इसको। अब देखिए सारे फॉर्मूला से पूरा वैल्यू में आ गया सब कुछ, कोई फॉर्मूला नहीं रहा यहाँ पे अपना। ठीक है, सारे वैल्यू में आ गए, फिर कंट्रोल जेड करूंगा तो अंडू करने के लिए हो गया, हाँ कंट्रोल जेड करूंगा अंडू करने के लिए वापस फॉर्मूला में आ जाएगा। और हमने अच्छा राउंड का ऑप्शन यहाँ नहीं लगाया था हमने, अच्छा राउंड का ऑप्शन बस यहाँ तक लगाया था हमने, राउंड अप। तो जब राउंड अप कंसेप्ट आ गया ना, हम यहाँ पे राउंड का ऑप्शन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये है ना, ये मैं 2 डिजिट में कर रखा है, लेकिन जब फॉर्मूला हटा रहे ना 2 डिजिट से 4 डिजिट में आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे राउंड का नॉर्मल इक्वल टू राउंड करके ब्रैकेट करके कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक्चुअली ये है ना, ये एक्चुअली 2 डिजिट नहीं है, हमें 2 डिजिट दिख रहा है, इतना डिजिट है। हम थोड़ा क्लासेस हट के बात करते हैं, थोड़ा जो प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं किया R O U N D राउंड, ब्रैकेट खोल दिया, एक और ब्रैकेट खोल दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद अंतिम एक ब्रैकेट बंद किया मैंने। ठीक है, दिख रहा है 4-5 डिजिट हो रहा है, कॉमा
मुझे कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए बस, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ओके कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है यहाँ पे बस। हो एक सेकेंड, तो मैं बता रहा था कि राउंड के लिए मैं 2 मिनट की क्लास पॉज किया था। देखो एक्सेल का कुछ बहुत बड़ा पंगा है, जैसे कि मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया और मैंने बताया राउंड, RONDT। राउंड के बाद मैंने एक ब्रैकेट खोला, तब जब फॉर्मूला में देख सकते थे नंबर को हाईलाइटेड किया बोर्ड में, तो ये सारे नंबर पे ले रहा है, नंबर 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 नंबर। ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 2 किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो मुझे 2 डिजिट में राउंड ऑफ चाहिए। इंटर कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, यू हैव इंटर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फंक्शन, एरर दिखा रहा है बेसिकली। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा दो 1 2 मिनट के लिए, और इस ब्रैकेट को हटा दो, तो अब क्या दिख रहा है, ये इस ब्रैकेट में जो है, ये पहला ब्रैकेट में जो है इसी को फॉर्मूला नंबर ले रहा है, उसके बाद ये जो डिजिट ले रहा है, लेकिन ये एरर दिखाएगा तुम्हें। तो भाई ये गलती किसका है, ये गलती एक्सेल का है। ठीक है, एक्सेल फॉर्मूला को समझ नहीं पा रहा, तो हम 2 मिनट इसको पूरा वो कट कर लेते हैं फॉर्मूला को, कंट्रोल एक्स। अब हम पहले राउंड ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे, RONDT। राउंड के नाम ब्रैकेट खोलते हैं, शिफ्ट ब्रैकेट खोलते हैं, अब नंबर बोर्ड हाईलाइटेड है, तो उस बार कोमा दे देंगे, अब नंबर डिजिट में आ जाता है, नंबर डिजिट 2 में करना है, फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये कोमा से आगे अब जो फॉर्मूला हमने कट किया अभी उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसको नॉर्मल लेगा, पहले भी नॉर्मल ले सकता था, पता नहीं इसको क्या दिक्कत थी। हम नॉर्मली बस इसको, जैसे ये है, हमने कोमा 2 ऐड करना था, ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट ऐड कोमा 2 करना था, वही हम यहाँ पे कर दे। ठीक है, कोमा 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके स्टार्टिंग में आके RONDT राउंड ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इंटर करे, ले लिया, पहले नहीं ले रहा था। ये पता नहीं एक्सेल को क्या है, RONDT राउंड ब्रैकेट ओपन, अंत में ये फॉर्मूला नंबर चल रहा है, ये भी नंबर, अब नंबर चलेगा सब कुछ, क्योंकि मैं फर्स्ट में कॉपी पेस्ट करके उसको बता दी नंबर ये वो, ठीक है ना, वरना नहीं लेता। अब CTRL D, CTRL D मतलब ऊपर फॉर्मूला पूरा कॉपी हो गया नीचे तक, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसे ऑल्ट इज इक्वल टू सम था ना, यहाँ ये 2 करोड़ का कुछ का है, तो मैं राउंड किया 2 डिजिट में, ठीक है, 2 डिजिट में, ओहो, तो करके मैं इसको दो वापस 2 डिजिट में लेके आता हूँ यहाँ पे, स्पेशल पेस्ट करूँ यहाँ से ना इसको, अब CTRL C ALT ESV वैल्यू स्पेशल पेस्ट कर दिया, तो 2 डिजिट में ही आएगा, इसको करूँगा CTRL C ALT ESV वैल्यू। अब यहाँ देखिए कितना लंबा डिजिट दिख रहा है, इसमें देखिए कितना छोटा डिजिट दिख रहा है, ठीक है ना, CTRL Z CTRL Z, मैं फॉर्मूला वापस लेके जाता हूँ अपना, फॉर्मूला फ्यूचर में काम आएगा, इसको राउंड ऑफ नहीं किया, फ्यूचर में राउंड ऑफ बताएंगे इसको, ठीक है ना। तो हमने राउंडिंग कर दिया, तो हम क्वेश्चन में कहाँ थे अभी, हम स्पेशल पेस्ट में फॉर्मूला से टेक्स्ट वैल्यू में पेस्ट करना है या टेक्स्ट में पेस्ट करें, हम स्पेशल पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें क्लाइंट डेटा भेजना होता है, फॉर्मूला हटा के भेजते हैं, क्योंकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो या फॉर्मूला लिखा ना कर सके। अब हम मेन्यू की बात करते हैं, हमने आपको मैं हाइड करूँ, जरूरत नहीं अभी, बाद में फ्यूचर में हाइड करेंगे। अब हम मेन्यू बार यानी अपना रिवन की बात करते हैं। हम होम में थे, हमने लास्ट तक सेल तक हमने डिस्कस किया था, आज हम एडिटिंग का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एडिटिंग की बात करें, एडिटिंग का पहला आता है ऑटो सम। आपको याद है हम यहाँ पे शॉर्टकट, हम ऑटो सम के लिए, तो अपना कैमरा हाइड कर दूं मैं, हम ऑटो सम के लिए लास्ट में आते थे और यहाँ पे करते थे ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू, ठीक है, सम करने के लिए। जैसे शॉर्टकट यहाँ पे भी है, सेल सेलेक्ट करके यहाँ ऑटो सम क्लिक करोगे ना, तो वही बात है, ये शॉर्टकट है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये फिल, अब याद हम CTRL D करते हैं, वही फिल है, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट, CTRL D मतलब जो डेटा एक साइड जगह पे उसको सेम डेटा से कॉपी कर रहे हैं, हम CTRL D करते हैं, तो वही ये फिल है, फिल डाउन फिल अप। ठीक है, अब ये क्लियर, क्लियर फॉर्मेटिंग है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ये है फॉर्मेट, यहाँ पे ये करूँगा क्लियर फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट गायब हो गया, साथ में हम यहाँ पे करेंगे क्लियर कंटेंट, अंदर डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर ऑल करेंगे सब कुछ गायब है, फॉर्मेट डेटा सब गायब हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्लियर करने का है, ये हाइपरलिंक, हम कोई लिंक ऐड करते हैं यूट्यूब का, फेसबुक, उसके लिए कोई कमेंट ऐड कर दो, कमेंट क्लियर करने के लिए फ्यूचर में कमेंट ऐड कर देखेंगे, ठीक है। ये होता है। अब ये सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, ये डेटा है इम्प्लॉय कोड, हमारे इम्प्लॉय कोड सीरियल नंबर से है 84, 85, 86, 87, ये हमें चाहिए। सेल्स एजेंट भी सीरियल नंबर से है, ए आए फिर बी आए फिर सी आए, ठीक है ना। तो हम इस लोगों को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्टिंग ए टू जेड कर देंगे। ये पूछेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, अब क्या है कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन कहेंगे ना, सिर्फ इसी को चेंज करेगा डेटा, इसी को चेंज करेगा, इसके साथ में जो क्वांटिटी वगैरह है वो सब चेंज नहीं करेगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब एक्सपेंड सिलेक्शन करेंगे ना, तो पूरा सिलेक्शन को एक्सपेंड करते हुए चेक करेगा। जैसे हम 10 का देखते हैं, 10 का एम्प्लॉई कोड 084, मानो एक कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन करता, जो क्या होता है बस, अब आरोन का हो गया 84, जो गलत है ना, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना था हमें। हमें करना होता है सॉर्ट करने के लिए ए टू जेड करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू एक्सपेंड सिलेक्शन, से क्या होगा ना, और ये देखो हो गया। एक्सेल परेशानी क्यों कर, समझ नहीं मेरे को, एक्सपेंड सिलेक्शन किया मैंने टू डू दिस और मैं मर्ज, अच्छा मर्ज सेल पे अपने आप पे है क्या, कहाँ मर्ज सेल है, आई डोंट थिंक कोई मर्ज सेल, अच्छा नीचे होगा मेरे हिसाब से, मर्ज सेल बोल रहा है कि मर्ज सेल, उसको अनमर्ज करो पहले, चलो कोई नहीं, फिर करते ए टू जेड एक्सपेंड सिलेक्शन, ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी एट सेम साइज, सीरियसली देखते हैं कोई मर्ज सेल है तो हटाते हैं उसको, चलो मर्ज सेल हटा देते हैं, और मर्ज सेल हटाने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अपना कहा था मर्ज सेल के लिए, होम में था, होम में जाके मर्ज सेंटर अनमर्ज सेल, ठीक है अनमर्ज हो गया, कोई मर्ज होगा तो हम करेंगे अरेंज ए टू जेड एक्सपेंड सिलेक्शन, ये कहाँ तक सिलेक्शन ले रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, 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 हमको साइज छोटा करो, पता चलता क्या गड़बड़ भाई। एक्सेल एरर होते हैं एक्सेल में, और आपको एरर के बारे में सीखना है, डेटा तो कोई बता देगा, एरर जब आया तो एरर को कैसे टैकल करना वो भी बताना है, मेरा काम है, इसलिए मैं सामने करवा रहा हूँ, वरना मैं इसको अकेले में करके चुपचाप सिर्फ करेक्टेड डेटा दिखा सकता भाई कैसे करेक्टेड डेटा है, लेकिन वो नहीं करना। तो हमें सॉर्ट ए टू जेड किया मैंने, एक्सपेंड सिलेक्शन करना है। अब अच्छा ये ऊपर तक कर रहा है, ये यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर, जो गलत बात है, यहाँ तक नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि स्पेस है, वो याद ही है क्योंकि जब कोई चीज सिलेक्ट होता है तो कोई भी स्पेस होता है तो स्पेस को वो छोड़ देता है, स्पेस के ऊपर डेटा सब छोड़ देता है। तो यहाँ पे करेंगे शिफ्ट स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एक रो ऐड हो गया। अब हम इसको यहाँ से यहाँ करेंगे और इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा काम हो जाएगा, हमें पता चल गया एरर क्या चीज था, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, हम करते सॉर्ट ए टू जेड, ठीक है, ये एक्सपेंड सिलेक्शन बोल रहा है। अब देखो इसने यही तक किया क्योंकि स्पेस आ गया ना, इसको पास छुआ नहीं इसने। अब देखो अरोना का 94 था एम्प्लॉय कोड, मतलब अरोना का जो भी लाइन आइटम थे नीचे के सारे लाइन आइटम इक्वली चेंज हो गए। मैं कंट्रोल जेड का, डक्स के 84 थे तो 2891 था, अरोना का था 2744 और जो 94, कंट्रोल वाई रीडू देखो, ठीक है ना। अब अरेंज करने के लिए ए टू जेड, अब इससे टू जेड हो गया, मेरे पास नंबर से ए टू जेड नंबर को सिलेक्ट करूंगा मैं और करूंगा ए टू जेड सर्ट, ए टू जेड सर्ट एक्सपेंड सिलेक्शन कर दूं, ओके करके ये हो, अब वापस 10 के ऊपर आ गया। तो बेसिकली सॉर्टिंग है वो, एक छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, कस्टम करना कुछ और तरीका से, फिल्टर लगाना, ये भाई जिंदगी भर आपको काम आएगा, आज बता रहा हूँ जिंदगी भर काम आएगा। अब होता ये है कि इसको हम डेटा को सिलेक्ट कर लो जितना आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है, मुझे लगाना है टोटल छोड़ के, टोटल छोड़ के ऊपर से टोटल भी ले लेते हैं, ठीक है, टोटल छोड़ देते हैं, हमें टोटल को फिल्टर नहीं करना है, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ये फिल्टर लग गया, ठीक है। अब ये तो नीचे फिटिंग नहीं है, करेंगे ऑल्ट ओ सी ए फिटिंग करने के लिए, ठीक है, सेल में। अब हम करेंगे, देखो जब फिल्टर लग जाता है ना तो सारे कमांड नहीं आ जाते। अब आपको यहाँ पे डाउन एरो करोगे क्या दिख रहा है, शॉर्ट ए टू जेड, आप इसको ए टू जेड करोगे ना ऑटोमेटिक इसके रिगार्डिंग सारा डेटा भी ए टू जेड शॉर्ट हो जाएगा। इसे करूंगा शॉर्ट ए टू जेड, देखो इसके अंदर ना तो हम जब फिल्टर लगाते हैं ना सारे फंक्शन हम यहीं पे आ जाते हैं,
अब मान लो 500 डेटा है, तो मान लो हमने सिर्फ 20 डेटा ले रखा है, मान लो हमें 500 डेटा था, हमें किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय का ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स में लिख देंगे, मान लो हमें ढूंढना है जोहान का, JOHAA, यहाँ पे जोहान आ जाएगा, बाकी सब अनटिक दिख रहा है, ऑल करेंट सिलेक्शन टू फिल्टर, बाकी अनटिक से जोहान टिक रहेगा, ओके करेंगे ना, तो बाकी सब हाइड हो जाएगा, सिर्फ जोहान का दिखेगा, ठीक है। ये है फिल्टर का, इसको सिलेक्ट ऑल करके इंटरव्यू वापस सब दिखना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉय कोड से अरेंज कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर क्वांटिटी से कर सकते हैं, एवरेज डिस्काउंट, सबसे कम डिस्काउंट कौन देता है हमें देखना है, तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। सबसे कम डिस्काउंट में सिद्धांत देता है कस्टमर को, और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है सियाराम, और क्योंकि सिद्धांत सबसे कम डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा परसेंट प्रॉफिट वही को बना देता है, सबसे कम प्रॉफिट देता है सियाराम क्योंकि वो डिस्काउंट ज्यादा देता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये फिल्टर का है, फिल्टर बहुत ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली फिल्टर पर लग जाए ना बहुत कुछ आसान हो जाती है हमारे लिए, तो आप अरेंज करो A to Z। अब फिल्टर लगाने का शॉर्टकट बताता हूँ मैं, हमने देख लिया कि यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, शॉर्टकट होता है Ctrl Shift L, फिल्टर हटाने के लिए भी फिल्टर लगाने के लिए भी Ctrl Shift L, हटाने लगाने के लिए। अब एक मैं कल के क्लास में शॉर्टकट कुछ ऐड कर दूंगा आपके लिए, तो हमने फिल्टर भी देख लिया, फिल्टर का काम क्या होता है, ठीक है ना, बहुत काम है फिल्टर। और ये फाइनेंस सबको याद ही, हम Ctrl F Ctrl H की शॉर्टकट, Ctrl F जाने के लिए, Ctrl H रिप्लेस करने के लिए, फाइनल रिप्लेस, Ctrl G गो टू किस सेल पे जाना है, ये हम कमांड देखे थे पुराने में, बिल्कुल वही चीज फाइंड एंड सर्च। इसको भी हम कल के क्लास के लिए हम इसको अपडेट कर देते हैं, अब रिविजन हो जाएगा अगली क्लास में सी, क्योंकि आज ज्यादा एक दिन ज्यादा शॉर्टकट नहीं करेंगे हम, तो Ctrl CTRL F CTRL H CTRL G, ये मैं कल के लिए शॉर्टकट है, फाइंड रिप्लेस गो टू सेल, ठीक है। तो अपना हो गया ये एडिटिंग काम हो गया अपना सारा, एडिटिंग में सब काम के फिल्टर लग जाए ना, तो बाकी सारी चीज उसी से आप ड्रॉप डाउन करके हम निकाल सकते हैं, और ये हम आपको फ्यूचर क्लास में बड़े अच्छे से समझाएंगे इस बारे में, ये प्रैक्टिकली बहुत इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेआउट में, जो नेक्स्ट लेआउट में देखना है, नेक्स्ट हम कह रहे मेन्यू देखना है, रिबन देखना है, वो है इंसर्ट का टेबल। अब ये बड़ा चीज इंपॉर्टेंट हो गया टेबल, मैं थोड़ा इसको फिल्टर हटा दूं, Ctrl Shift L, हम फिल्टर हटा दिए। अब टेबल, आते हैं वापस अपने एम्प्लॉय कोड पे, इसको हम जाते हैं यहाँ से सिलेक्ट किया हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट से सिंगल होता है, लेकिन कंट्रोल सॉरी माय मिस्टेक शिफ्ट के साथ एरो करके सिंगल सिलेक्शन होता है, शिफ्ट के बाद कंट्रोल के साथ एरो क्लिक कर पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी आपका डेटा है पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, अगर टेबल करेंगे ना तो पूरा टेबल बना देगा, इसको टेबल के फॉर्म में लेकर, और ये लो टेबल फॉर्मेटिंग हो जाएगा, याद है फॉर्मेटिंग दिखाया था टेबल फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग हो जाएगा ये पूरा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट ले लेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट में आता है सबसे सिंपल टेबल इंसर्ट करने का, तो टेबल इंसर्ट हो गया ना, फॉर्मेटिंग टेबल, अब इसमें ऑटोमेटिक पाइवट टेबल सब आ जाता है, हम जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे ना मेन्यू में, जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू ऑप्शन आएंगे ना, उसमें पुराने ऑप्शन ऑटोमेटिक ऐड होते हैं, तो इसको ना फिल्टर भी ऐड है, साथ में टेबल फॉर्मेटिंग भी ऐड है, हम जब फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इस पे आए ना, तो हम यहाँ पे है, आपको कुछ दिख रहा है, आप इसको देखो मेन्यू बार देखो, इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू हेल्प, दिख रहा है ना, अब मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, अब इस पे क्लिक करता हूँ, देखो नया आ गया डिजाइन। तो होता क्या है ना, जब जैसे से हम ना कोई फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा मेन्यू होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाता है हमें नया करके, अभी नहीं है, अभी है तो टेबल डिजाइन। तो मैं आप टेबल डिजाइन में बात करते हैं, कैसे डिजाइन चाहिए, हम याद हम परसों क्लास में लिखा टेबल डिजाइन, ऐसे डिजाइन चूज कर सकते टेबल का, ये डिजाइन कौन सा पसंद है आपको, मुझे पसंद तो आ रहा है ये ऑरेंज चमक रहा है, हम लेते हैं थोड़ा लाइट, हाँ ये लाइट ले डिजाइन, यहाँ डिजाइन है टेबल डिजाइन आ गया, रो इंसर्ट, तो टेबल रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शन है डुप्लीकेट, ठीक है ना,
एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे डिजाइनिंग। इसको हम फ्यूचर में बात करेंगे, आज हम सिंपल मेन्यू बात करते हैं। नहीं बहुत देखना है ये टेबल का जो बता रहा हूँ ऊपर का, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं होगा ना तब तक इसको समझाना मुश्किल है। अब मुश्किल भी क्या, समझा भी दूँ ना आपको तो याद नहीं रहेगा। तो यहाँ टेबल पे क्या हो गया, मैं शॉर्ट में हमारा टेबल डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल, पाइवट टेबल भैया पाइवट टेबल आ जाओ, दुनिया का दूसरा एक्सेल का सबसे फेवरेट कमांड पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है, वो पाइवट टेबल क्या होता है, अब मैं सिंपली पाइवट टेबल को मैं कर देता हूँ यहाँ से पाइवट टेबल इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज अपने आप सिलेक्ट हो गया नीचे से, क्या हो रहा है जो डॉटेड लाइन 43 से, तो गलत, हमें 42 हेडिंग भी चाहिए, गलत सिलेक्ट हो रहा है। तो हमें टेबल रेंज को हम करना यहाँ पे, यहाँ से 42 से करना है शिफ्ट के साथ यहाँ तक और नीचे तक। हमें इम्प्लॉय कोड भी चाहिए ऊपर हेडिंग भी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन पहला होता है कि हम ना सिंपली इसको सिलेक्ट करके और फिर पाइवट टेबल खोल दे, या फिर हम पाइवट टेबल खोलने के बाद भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिलेक्शन होने बाद यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब हम कहीं और से डेटा भी लेके आ सकते हैं, और नहीं से डेटा लेके आए एक्सेल में, हम कोई पीडीएफ में वर्ड भी वहां से डेटा लेके आ सकते हैं, वो फ्यूचर में दिखाएंगे। उसके बाद क्या होता है, हमें कहाँ बनाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट बनाना है, न्यू वर्कशीट बनाना है। हम न्यू वर्कशीट में बनाएंगे तो नीचे एक नया वर्कशीट खुलकर बनना शुरू हो जाएगा, और जो आज न्यू भी बनाते हैं, अब जब एग्जिस्टिंग बनाएंगे, न्यू भी बनाया मैंने, तो क्या हुआ कि इसको मिनिमाइज करूं, देखो C3 से पहले एक नया शीट बन गया, इसे नाम क्या, पाइवट टेबल फील्ड। अब हमें फिल्टर लगाने हैं, मानो कि फिल्टर इसका काम क्या होता है, इसका काम बोलो जैसे कि एक बंदे का 4-5 डिवीजन है, ठीक है, उसके अंदर कितना है, मतलब किसी बंदे का टोटल निकालना हो उसके रिगार्डिंग होता है। अब इम्प्लॉय कोड में बस ले लिया, यहाँ पे इम्प्लॉय कोड लिया, तो रो में इम्प्लॉय कोड आ गया, और इस इम्प्लॉय से कितने मेंबर रजिस्टर्ड है देखना है हमें ना, सेल्स एजेंट वैल्यू लेते हैं, काउंट ऑफ एजेंट, पर इस रो में एक ही बंदा है। तो बेसिकली पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है, मेरे पास डेटा नहीं है अभी यहाँ पे, और डेटा होगा तो बहुत अच्छे समझा पाऊंगा, फिर तो डिलीट करता हूँ मैं आज के लिए। इतना समझिए, प्राइवेट टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे। अब मैं जाना है शॉर्टकट क्या कर सकते जाने के लिए, तो रो कॉलम पर टेबल सिलेक्ट करके ऑल्ट करेंगे, एन करके वी कर सकते हैं इंसर्ट करने का शॉर्टकट। तो प्राइवेट टेबल भाई आने वाला फ्यूचर में घबराइए मत, लेकिन बहुत अच्छे से आएगा। फिर ये प्राइवेट टेबल हो गया, और इलस्ट्रेशन हटाओ उसको। फिर आता है एड इंस। एड इंस क्या है भैया, ये बेसिकली लिंक्स है भैया ऐड करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलो तो आज बताइए, एड लिंक्स, गेट एड इंस। हमें क्या इसमें ऐड करना है, स्क्रिप्ट करना है, कोई और ऐड करना है, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर इसमें ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में, फोन में जो थे हम चार्ट्स, हम चार्ट्स कल करेंगे, आज के ज्यादा हो गया हमें बहुत। हम आते हैं नए काम पे, हमें बनाना है एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट, उनका सैलरी बताने है। ठीक है, अब हमने इस बारे में कुछ बात नहीं किया, हमने डेटा बनाया नहीं आज तक, अभी तक मैंने, तो बेसिक एम्प्लॉय चाहिए, तो हम कल का डेटा का एम्प्लॉय लेके जाते हैं। एम्प्लॉय रहा, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम ये रहा, यहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल पेस्ट डाउन करके कंट्रोल वी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर अब तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर्मेटिंग में कॉपी होगी, हो गया ना, हमें से वैल्यू चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करेंगे। हमने अभी क्या बताया, वैल्यू स्पेशल पेस्ट के लिए ऑल्ट ई एस, उसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यू पेस्ट। ठीक, आई होप आप मेरे साथ कमांड लिख भी जाते हो, इतना मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए, आप इतने समझदार हो कि कमांड लिख सको। मैं वैल्यू किया, वैल्यू पेस्ट, कैसे वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सेल फिटिंग नहीं हो रहा यहाँ पे, तो ऑल्ट ओ सी ए सेल फिटिंग भी आ गया, एक तरीका यहाँ से कॉपी पेस्ट करने का। लेकिन मैं एक लिंकेज दिखाता हूँ, ये तो है ही, मैं इजिकल टू यहाँ पे करूँ एम्प्लॉय कोड पे, और यहाँ जाके एम्प्लॉय कोड पे पेस्ट कर सिलेक्ट करके इंटर करूंगा, एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, कंट्रोल भी नॉर्मल, तो
भैया फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है, जो क्या दिख रहा है अपना C3 सीट का, क्लास टी सीट का B43, ठीक है, और ये है A43। कंट्रोल सी करके यहाँ करता हूँ, अरे यार कंट्रोल सी और ये कंट्रोल भी A44, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फॉर्मूला पूरा वो हो जाता है, फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है, कंट्रोल डी, ओहो टोटल की बात कुछ है नहीं, ठीक है कंट्रोल डी। तो हो क्या, जो आगे डेटा था ना पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है, डेटा का लिंकेज की, सो फॉर्मूला लिंकेज भी कहते हैं। मैं अपना कैमरा दिखा दूँ आपको अच्छा रहेगा, मैं चेहरा भी देखते रहोगे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में सिर्फ क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो हमें चाहिए इसको स्पेशल पेस्ट करें डेटा में, तो कंट्रोल सी कॉपी कर लिए, ऑल्ट ई एस, हमारा स्पेशल पेस्ट का डेटा खुल गया, वी करके ओके कर देंगे ना, डेटा पेस्ट हो गया पूरा, ठीक है ना। अब मान लो सैलरी कितना देना पर एम्प्लॉय को, हम सैलरी डाल दें, सैलरी देना चाहते हैं मंथली, अब सैलरी देना चाहते हैं, ठीक है, कितना 35,000 शुरू कर लेते एक बार, ठीक है ना। मैं डेटा डाल देता हूँ इसको, मैं रेंडम सैलरी डेटा बनाते हैं 35,000 लिए मैंने, और रेंडमली मैंने कुछ नंबर ले लिया क्योंकि सब फिक्स सैलरी नहीं है, अब मैं एक एक करके सैलरी ऐड नहीं करूंगा, तो मैं क्या इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा कंट्रोल, या तो हम दो तरीका, इसको हमें इजिकल टू दिस इंटू इंटू का हैशटैग साइन इस करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तरीका, लेकिन हमें चाहते हैं कि इस चीज यहीं पे कॉपी हो, तो इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी, अब इसको सिलेक्ट करूंगा पूरा, ऑल्ट ई एस, अब ऑल्ट ई एस यार स्पेशल पेस्ट, तो हमने जो डेटा कॉपी किया है इस डेटा में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इंटर कर दूंगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये बड़ा अच्छा चीज था, समझ में आया नहीं आया, दोबारा दिखाऊं, दोबारा दिखाता हूँ, जैसे मैंने 35,000 सब डाल दिया, मैंने रेंडमली कुछ नंबर उठा लिया यहाँ पे, ये नंबर मैंने अलग से रेंडम प्रिपेयर किया रखा है अपने डेटा शीट पे, ठीक है ना, ये हमें क्या बोलते हैं डेटा, कि कभी काम आए तो बहुत काम आता है डेटा बनाने के लिए, हम 12 में डेटा नहीं बना सकते, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें इसमें इसको मल्टीप्लाई करना, हम रेंडम सैलरी निकाल रहे हैं, ठीक है, मैं इसको कॉपी किया कंट्रोल सी, इसको सिलेक्ट किया और ई एस, और मैं जो डेटा सिलेक्ट है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई और ओके, इसे क्या हुआ डेटा पूरा मल्टीप्लाई हो गया, अब देखो सबका सैलरी अलग अलग आ गया, ठीक है ना। अब हमें भाई सबसे ज्यादा सैलरी किसका है, क्रिया क्रिशियांस का सैलरी सबसे ज्यादा है, जो भी है। अब हमें बनाना है डेज, वर्किंग डेज, आज डेट क्या है, आज 10th of January में काम शुरू कर रहा हूँ बेसिकली, बहुत बढ़िया। अब मैं कर दूंगा क्या करूंगा, मुझे डेट इंसर्ट करना है शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ कॉलन साइन से हमारा डेट इंसर्ट होता है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 1 जनवरी से चाहिए, मैं पूरा महीने सैलरी दे रहा है 01 जनवरी से दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे तो आपका डेट ऐड होता रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, हमें चाहिए पर मंथ का, मैं पर ड्रैग कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, तो मैं ड्रैग हाँ नहीं छोड़ो की नहीं करता हूँ, ऑल्ट ओ सी है। अब मैं फॉर्मेटिंग कैसे, मैं डेज सही किस किस दिन है, मैं पता ही जनवरी का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जनवरी सैलरी अटेंडेंस, डेटा, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग करते हैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे मैं सेल्फ लेके आया, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा फॉर्मेट सेल पे, ठीक है, फॉर्मेट सेल पे गया, ये कस्टम पे जाऊंगा, मैं कस्टम पे गया, मैं अब मैं दिख रहा डेट, यहाँ पे दिख रहा डेट है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, तो क्या दिख रहा है 01 जनवरी 21, लेकिन हमें चाहिए डेज में चाहिए हमें, तो मैं कस्टम कर्बन यहाँ पे आके इस टाइप में आके छोटी चेंज कर दूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे DAY डे, DDD डे फ्राइडे, अच्छा ट्रिपल डी कर फ्राइडे हो गया कॉमा, और डेट डी डी डेट मतलब फ्राइडे, एक स्लैश डी डी, डबल डी मतलब डेट होता है, ट्रिपल डी मतलब डबल डी डेट होता है, ट्रिपल डी डे होता है, ये शॉर्टकट होता है, और MM में मंथ होता है, YY YY ईयर होता है, ठीक है, हमें वाई ईयर तो नहीं चाहिए, हमें पता है मंथ और पता है हमें डेट और डे चाहिए फ्राइडे, तो
तो जब पहला दिन था वो जनवरी 1 तारीख फ्राइडे था, ये सही है? हम देख लेते हैं, जनवरी 1 फ्राइडे था, बिल्कुल सही है। अब इसको यहां से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक 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 क्लिक, आहा, ये आ गया आपका संडे, 31 को संडे था। मैं डेटा आ गया, इसको मैं ऑल्ट ओ सी इतना छोटा कर लेता हूँ। अब हमें प्रेजेंस और एब्सेंस का रैंडम अटेंडेंस चाहिए। तो पहले हम दिखा रहे हैं सैटरडे संडे, हर कंपनी में छुट्टी होता है, बेसिकली अच्छी कंपनी छुट्टी होता है, तो इसको तो भैया हम हमेशा ग्रे कर देंगे। ऑल्ट एच एच, और इसको मैं कर दूंगा डार्क ग्रे, ठीक है, कंट्रोल सी। और फिर कहा है सैटरडे संडे, कंट्रोल वी, और कहा है सैटरडे संडे, कंट्रोल वी, और कहा है सैटरडे संडे, ये रहा कंट्रोल वी, और कहा है ये भी सैटरडे संडे, कंट्रोल वी। अच्छा, 1 2 3, भाई बड़ा सही है यार, जनवरी में 1 2 दिन, 8 दिन का छुट्टी है, 4 वीक हर मंथ में होता है भाई, 8 छुट्टी होती है कंपनी में, तो अच्छी चीज है ये। तो इस बार 9 छुट्टी है यार, क्या बात करती है यार, 2 और 3। तो 1 सेकेंड, हमें चाहिए रैंडम अटेंडेंस, अब रैंडम अटेंडेंस लेके आना मेरे को, पी और ए एब्सेंट प्रेजेंट। मैं फ्यूचर डेटा वैलिडेशन से भी करवाऊंगा अटेंडेंस, लेकिन आज मैं रैंडम लेके उठाता हूँ, डेटा प्रिपेयर करके तो अपना। चलो मैं आपको रैंडम डेटा प्रिपेयर कर मैं दिखाता हूँ आज कैसे करता हूँ मैं। याद है मैंने मार्कशीट बनाया था उस दिन क्लास 3 में, तो रैंडम मार्क्स का लिस्ट मैंने बना रखा है। तो मैं सिंपली करूंगा, अगर इफ ये इज लेस देन 45 है, तो हम क्या करते थे, फेल करते थे ना, लेकिन अब हम एब्सेंट कर देंगे ब्रैकेट में, ए ब्रैकेट क्लोज, नहीं तो प्रेजेंट, और इसको कर दो प्रेजेंट हो गया। इफ सी टू इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और इसको ऊपर तक करूंगा कंट्रोल डी, क्या हो गया मेरा, तो क्या है ये रैंडम एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, ये डेटा आ गया ना पूरा। अब इसको मैं क्या है, ये मेरा ई स्लैश ए कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या है, ये मेरा है फॉर्मूला, तो स्पेशल पेस्ट करूंगा, याद है वो कंट्रोल सी और ई एस बी, वैल्यू स्पेशल पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। जो कंट्रोल सी किया मैंने, अब आ गया अपना क्लास 4 में, अब इसको मैं पेस्ट करना शुरू कर दूंगा, कंट्रोल वी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया पूरा, इसको कंट्रोल एक्स करूंगा और इसको यहाँ पे आके कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, मैं ऐसे रैंडमली मैं पेस्ट करूँ डेटा को, कंट्रोल वी, मुझे पता नहीं कौन सा एब्सेंट कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, कंट्रोल वी, और मैं डेटा खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ उसी डेटा पे, डेटा फिर उठा लेता हूँ अपना, कंट्रोल सी, ठीक है। अब आते हैं वापस शीट 4 पे, तो मैं पेस्ट करके आता हूँ, आपको भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे डेटा पेस्ट कर लिया अपना पूरा, और मैं अटेंडेंस शीट का डेटा बना दिया अपना पे। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया है, ओहो सॉरी, ये एक छूट रहा है यहाँ पे, एक रो छूट रहा है मेरा, ठीक है, कोई नहीं, इसको लेके आ जाते हैं, कैसे रैंडम उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं यहाँ से, काउंटिंग 20 कर लो, 20 डेटा, ठीक है, यहाँ पे काउंट मैंने 20 देख लिया, यहाँ पे काउंटिंग 20, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। अब मैं डेटा कंप्लीट है, अब देखो डेटा देना बड़ा है, बड़ा लग रहा था ना, तो फ्यूचर डेटा बड़ा होता ही जाएगा, हमें बनाना है कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने एबसेंट थे, क्या था टोटल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम साइज छोटा कर दे, और फॉर्मूला देखना पता है, हम फॉर्मूला यहाँ देखा करेंगे फॉर्मूला बार में, क्योंकि इतने डेटा के साथ ना हम एक एक फॉर्मूला यहाँ देख नहीं सकते। तो साइज थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में भी। एंड तो अपना सैटरडे संडे छुट्टी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल वर्किंग डेज, हम अब यहाँ देखेंगे इस कॉलम में पूरा, ठीक है ना, टैब ब्रैकेट, इसको मैं टोटल हटा ही देता हूँ, सिर्फ वर्क डेज लिख देता हूँ, थोड़ा रहेगा अच्छा रहेगा,
में स्पेस क्यों बढ़ाया जाए, वर्क डेज। ठीक है, अब वर्क डेज की बात करते हैं, तो कितने दिन काम किया, कितना ये वर्किंग था 1 से 28 में। अब मैनुअली गिनेंगे? नहीं भाई, मैनुअली हम नहीं गिनेंगे, इतना पहले नहीं है। हम करेंगे फॉर्मूला काउंट। आज पहला फॉर्मूला सीखने वाले, काउंट इज इक्वल टू काउंट करते ही कितना काउंट दिखाया, जीरो। तो काउंट क्या करता है कि वो सेल काउंट करता है जिसमें डेटा हो, लेकिन क्योंकि वो डेटा जीरो है तो वो सेल काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट। मैं अपना स्क्रीन छिपा दूँ, जोट नहीं वैसे। ठीक है, काउंट करके भी यहाँ से करके मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक, हमारा 1 जनवरी तक। ये रहा 1 जनवरी जो फ्राइडे था, फ्राइडे मत 1 सेकेंड, कुछ माई मिस्टेक, मैंने गलत बोल दिया। इज इक्वल टू, मैंने क्या पहले COUNT, जब काउंट कर रहा हूँ तो अलग अलग दिख रहा है, एक काउंट है नॉर्मली। तो काउंट क्या करेगा, जितने भी सेल में नंबर होगा, उस कितने सेल में नंबर है वो सेल काउंट करेगा। काउंट ए होता है अल्फाबेट काउंट, कि जितने सेल में अल्फाबेट, वो बताएगा भाई इतने सेल में अल्फाबेट है। काउंट ब्लैंक, तो ये ब्लैंक काउंट करता है कितने ब्लैंक है। ठीक है, और फिर इफ, इसका हम आगे बात करेंगे, आज हम इफ इस्तेमाल करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। मानो हम सिर्फ काउंट किया हमने तो 0 दिखाया था, क्यों, वो नंबर काउंट करता है। अब काउंट ब्लैंक करो टैब, ठीक है, और यहाँ से मैं करूँ काउंट, तो कितने में ब्लैंक है, 2 में ब्लैंक है। ठीक है, लेकिन काउंट अल्फाबेटिक चाहिए प्रेजेंट एब्सेंट, तो काउंट अल्फाबेट, और मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इंटर कर दूंगा। ये क्या है, तो हमारे जनवरी में सिर्फ 21 दिन वर्क डेज था। कंट्रोल डी, सब में 21 दिन ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब हम उठाएंगे टोटल प्रेजेंट, एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा। ठीक है, हमको प्रेजेंट डे देखना है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट एबसेंट, ABSENT एबसेंट। अब हम काउंट करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ, तो इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, काउंट इफ, सॉरी टू COU, ये एक्सेल में था वो, काउंट इफ, काउंट करो अगर इन सेल्स में। ठीक है, इन सेल्स में कॉमा, अपना टेक्स्ट है हाइपर, मैंने सेमी कोलन करने डाल रहा हूँ, पी जो सेमी कोलन ही कहते हैं ना, आई होप एवं देखो क्या कहते हैं उसको, सेमी कोलन ही कहते हैं, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को थोड़ा। तो इसको मैं, हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोटेशन, कोटेशन कह लो, इन्वर्टेड कोमा कर लो, कोटेशन कह लो, कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा कह सकते हैं। ठीक है, तो कोटेशन अंदर का पी कितने हैं, अगर पी है उस सेल का अंक को जिसमें पी है, इस केस में 17 है। अब टोटल कितने हो गए हमारे, मतलब हमारे एक एम्प्लॉय जो पूरे महीने आए सब एबसेंट हो रखे हैं, कोई 17 प्रेजेंट है, कोई 18, तो एबसेंट निकालने दो तीन इक्वल टू दिस माइनस दिस कर सकते हैं, माइनस दिस सिंपल, या फिर इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ टैब, काउंट इफ अगर इस सेल्स में, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पी प्लस ए, अगर ए है तो काउंट करो कितने, बेसिकली 4 दिन एबसेंट बनता रहा है, सब एबसेंट रहे हैं, कोई 7 दिन रहा है, कोई 6 दिन, कोई 5 दिन, कोई 2 दिन। अब देखो ऊपर हेडिंग और पेस्ट करना था, कंट्रोल सी करूंगा मैं, फॉर्मेट पेस्ट ही करना चाहता हूँ बस, तो ऑल्ट ई एस, और फॉर्मेट के लिए अपना शॉर्टकट है एफ, फॉर्मेट के लिए टी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, टी के नीचे अंडरलाइन है, तो टी है, टी करते ही सिलेक्ट हो जाता है, और इंटर करेंगे तो फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब सैलरी पे किया जाए, सैलरी कैसे पे करेंगे, तो इस बंदे का सैलरी था 35,000, 35,000 था 21 वर्किंग डेज के लिए, जिस वक्त 17 में आया था। ठीक है, तो सैलरी पेबल, सैलरी ए वाई ए बी एल, सैलरी पेबल। ठीक है, तो इज इक्वल टू, सैलरी सेट पे जाते हैं, सैलरी 35,000 है, 35,000 डिवाइडेड बाई 21 दिन, ठीक है, इनटू 17 दिन, तो सैलरी मिलेगा 28,333 रुपये का। ठीक है ना, अब इसको राउंड ऑफ में कर दो, इसको मैं पूरा कट करूंगा पहले। ठीक है, वो यहाँ से राउंड ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया कॉमा, और राउंड फिगर 0 करेंगे ना, मैं इसमें कौन देता सैलरी आजकल,
अब यहाँ पे आके वो फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ठीक है, इंटर किया मैंने, तो 28,333 रुपये इसको मिलेगा। वैसे ही सबको सैलरी अलग अलग मिलेगा, 187,000 मिलेगा, 163,000 मिलेगा, तो सैलरी पेबल ये आ गया अपना, ऑल्ट ईएस फॉर्मेट की इंटर, तो सैलरी हो गया। अब हमें देखना है किसमें किसमें एबसेंट है, वो हाईलाइट करना है एबसेंट एरिया, भाई जितने लोग एबसेंट है ना, एबसेंट एरिया को भी हाईलाइट करना है। तो वो याद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखा था, फॉर्म में था, फॉर्म में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था हमने, और यहाँ पे हाईलाइट सेल या हम कर लेंगे कंटेनिंग, कंटेन कंटेन कंटेन, हाँ टेक्स्ट डैट कंटेंस, ठीक है। अरे बी हाईलाइट कर दिया, हमें सिर्फ ए में चाहिए एबसेंट में, एबसेंट में, अच्छा तो इतने लोग एबसेंट पर है इतने दिनों में, तो हमारी डेटा हो गया अटेंडेंस शीट का, ठीक है, साथ में सैलरी का हो गया। बेसिकली सैलरी बोल लो पेरोल बोल लो यही है, जनवरी अटेंडेंस सैलरी डेटा, सैलरी डेटा ब्रैकेट में PAYROLL पेरोल, ये हो गया ना डेटा, प्रेजेंट एबसेंट और सैलरी पेबल, ये हो गया। होता है एक और चीज है, क्या होता है कुछ अर्न स्लिप्स होते हैं, सुना होगा आपने कि हाँ इस बंदे कितने अर्न स्लिप्स है, ठीक है ना, तो इसको कैसे करेगा अर्न स्लिप्स होगा तो अर्न स्लिप्स के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, मानो इनके अर्न स्लिप्स है, मानते हैं कि अर्न लिप्स निकाल दे बेसिकली, तो क्या अर्न लिप्स निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको कॉलम में सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट से डाउन, और ऐड के लिए क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मुझसे क्या पूछ रहा है इस सेल को राइट मूव कर दिया डाउन मूव कर दिया, हम करें नहीं राइट मूव कर दो, हमें लेफ्ट में जगह चाहिए तो राइट में रख करके ओके किया, तो राइट मूव हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अर्न लिव्ड, होता क्या है ना कंपनी में, कंपनी में ये होता है कि आप हर महीने आपको दो लीव मिलता है अर्निंग के, ठीक है, आपको हर महीने दो लीव्स मिलते हैं कि आपको, हाँ आप पूरा महीने काम करो आप दो दिन छुट्टी ले सकते हो, लेकिन आप इस महीने दो में छुट्टी नहीं लोगे ना तो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आप फिर फोर छुट्टी ले सकते हो। तो मानो अर्न लीव निकालना है मुझे, तो भाई हमारे पास डेटा यही हो गया एबसेंट वाला, इसको मैं डेटा को कॉपी करके डेटा बना सकता हूँ मैं, एक सेकेंड डेटा प्रिपेयर कर लूं, रैंडम वन डिजिट, मतलब रैंडम एक डिजिट कभी कभी काम आएगा, तो उसके डेटा बना लेता हूं अपना मैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बस कंट्रोल सी, और अपना डेटा शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। वो क्या हो गया, ये मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, हमें स्पेशल पेस्ट करना है, तो ऑल्ट ई एस वी वैल्यू स्पेशल पेस्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे, करेंगे कंट्रोल वी कर लेंगे, हमारा डेटा रेडी होना ही बस बाकी, हमारा रेडी डेटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा चाहिए कितने लोग कितने अर्न लिव्स है, मैं किससे कॉपी करूंगा सीधे, शुरू से नहीं करूंगा कंट्रोल सी, और अपन जाऊंगा यहाँ पे, मान लो कि इनके अर्न लिप्स निकालने हैं, तो मेरा भी बस कंट्रोल वी कर दूंगा, डेटा है आया बाकी डेटा को मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट। तो अब कैसे होता है अर्न लिप्स, अब तक तो इसके अर्न लिप्स 3 है 2 है, मतलब इसके पास पुराने जो छुट्टी बचे हुए इसके 3, तो 3 छुट्टी बचे हुए इसके, तो अब कैसे करेंगे हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्न लिप्स है इसके एबसेंट तो ठीक है एबसेंट से गायब कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि अर्न लिप्स एडजस्ट हो गया प्रेजेंट हो जाएगा ये, तो हम क्या करें फॉर्मूला क्या लाएंगे, -3 कर दे सीधे, तो इस हिसाब से अगर मैं इज इक्वल टू 4 -3 तो फिर 1 हो जाएगा, लेकिन वही मैं यहाँ पे कर दूँ तो 1 -4 तो लिव -4 3 हो जाएगा क्या, नहीं सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा बाकी आपका फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इफ फॉर्मूला फिर इस्तेमाल होगा, हमने इफ काउंट किया है ये, ठीक है ना, काउंट इफ, अब काउंट इफ्स कर देंगे, बड़ा डेंजर यार, बड़ा डेंजर है, बड़ा डेंजर है, बड़ा डेंजर है, माइनस, ठीक है, इफ टैब, मैंने काउंट इफ करके निकाला, इफ से माइनस करेंगे, इफ इफ क्या, इफ अर्न लिप्स,
जाओ, इसको मैं एक और डेटा ऐड करना पड़ेगा, या फिर कैसे कर ले इसको, मैं एक सेल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉलम सॉरी, और मैं यहाँ करता हूँ अर्नड लीव यूज्ड, यूज्ड अर्नड लीव, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ टैब एब्सेंट, इफ अर्नड लीव इज लेस देन एब्सेंट, सॉरी एब्सेंट, ओहो, इफ अर्नड लीव इज लेस देन एब्सेंट, ठीक है, तो कोमा हम अर्नड लीव ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो 3 हो गया। F2 नहीं तो हम एब्सेंट ले लेंगे, इंटर, ठीक है। इफ अभी आप करेंगे इफ्स, हमें एक से ज्यादा कमांड चाहिए, इफ्स फिर ब्रैकेट और कॉमा प्रेजेंट, नहीं नहीं एब्सेंट, एब्सेंट इंटर, मैं तो बड़ा कर लू इसको, आपको समझ में आसानी होगी, थोड़ा सा स्क्रीन तो बड़ा कर लेता हूँ। भाई करना एक बात होती है, समझाना अलग बात होती है, हमें अर्नड लीव चाहिए। तो हाँ अनयूज्ड, यूज्ड अर्न लीव, हम कितना लीव अर्न करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा अर्न लीव एब्सेंट से कम है तो हम पूरा अर्न लीव इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो हम एब्सेंट बड़ा इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल टी, अब यहां पे क्या है, इन सब में क्या था, अर्न लीव अपना एब्सेंट से कम था, 2 तो वही इस्तेमाल हो गया, 2 वही इस्तेमाल हो गया, 4 लेकिन यहाँ तो भाई 1 है, तो 1 ही इस्तेमाल करेंगे हम, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है बताता हूँ इसके बारे में। तो हमने किया इफ अर्नड लीव्स, मैं दिखाता हूँ, इफ D31 अपना है ये अर्नड लीव्स इज लेस देन एब्सेंट, अगर लेस देन इक्वल टू एब्सेंट, अगर एब्सेंट से कम है एब्सेंट के बराबर है तो उतना तो हम अवेल कर सकते इस मंथ में, ठीक है, तो अपना होगा इज लेस देन इक्वल टू एब्सेंट, अपना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी इसको मैं ब्रैक कर दूं, अगर अपना अर्नड लीव D31 कम है या बराबर एब्सेंट से तो हम लेंगे अर्नड लीव, ठीक है, तो अर्नड लीव उठा लो, तो हमने वही किया 4, लेकिन अगर अपना अर्नड लीव एब्सेंट से कम नहीं है, मतलब एब्सेंट से ज्यादा हो सकता है बेसिकली, ठीक है, अगर एब्सेंट से ज्यादा है तो मैक्सिमम कितना उसको इस्तेमाल करेंगे, एब्सेंट इस्तेमाल कर पाएंगे टोटल, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे हमारा क्या था अर्नड लीव जो 4 है, नहीं अर्नड लीव 3 है, एब्सेंट 4 से कम है तो 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्नलिप 2 है 3 से कम है 2 इस्तेमाल कर सकते, अब इस केस में देखो हमारा अर्नलिप 4 है लेकिन हम एब्सेंट बस 1 दिन हुआ तो 1 इस्तेमाल करेंगे, 3 का ही फोर्ड होगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे करेंगे इसको कंट्रोल डी कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी तब यहाँ पे 1 इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे 3 2, आप इसको करोगे तो ही अच्छे समझ पाओगे, मैं बता दिया हूँ नहीं करो, ठीक है, ये अर्नलिप हो गया। अब यहाँ पे हम कर देंगे बैलेंस लीव इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, बैलेंस बैलेंस जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड अर्न लीव्स, अब कैरी फॉरवर्ड अर्न लीव्स कितना होगा, तो अपना इज इक्वल टू जो प्रीवियस अर्न लीव्स था अपना ये माइनस ये अर्न लीव्स कितना होगा, इसका कैरी फॉरवर्ड 0 होगा, वैसे इनका अर्न लीव्स 0 हो, 0 0, इसका 3 है, इसका 2 है, 3 2 1 2 4 1, ठीक है, अब सैलरी निकालना है, तो भाई जितने दिन इसे अर्न लीव इस्तेमाल कर लिया ना उतना दिन से क्या हो जाएगा, उतना दिन से प्रेजेंट मार्क हो जाएगा, क्योंकि पहले का बचा हुआ लीव था अब इस्तेमाल कर लिया तो यूज्ड अर्न लीव से वो हो जाएगा, मतलब बेनिफिट हो जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डिवाइड 21। अब प्रेजेंट कितना था, प्रेजेंट बेसिकली हम ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, ब्रैकेट 8 के 31, ए के 31 ये 17 प्लस, और अब प्रेजेंट सॉरी यहाँ पे ए के 31 शिफ्ट प्लस, अब यहाँ देखो ए के 31 प्लस ए के 31 में कौन सा, ए के 31 प्रेजेंट 17 प्लस यूज लिफ्ट कितना है 3 थ्री, तो इसको 17, 18, 19, 20 इस दिन का 3 दिन का एक्स्ट्रा उसको सैलरी मिली। ओहो ये 31 होगा, यार 31 होगा यहाँ पे, ठीक है 17, 18, 19, 3 दिन, बस एक दिन सैलरी कटेगा। अब कितना 3,333, 35,000 में 3,333 रुपीज इसको मिलेगा। कंट्रोल डी करो तो सबका सैलरी बढ़ गया 75। मैं कंट्रोल जेड करूँ अब दिख जाएगा फर्क, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, इसका देखो इसका आप 17, 18, 19, 20 इसने आप पूरा 21 दिन चारों पूरा सैलरी को मिलेगा, क्यों 17 और यूज क्या, अच्छा 3 दिन का 20 मिलेगा, अच्छा ठीक है। तो ये अपना सैलरी पे वाला आ गया, कितना सैलरी मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने अटेंडेंस शीट बनाई, प्रेजेंट एब्सेंट पे मार्क किया, हाईलाइट किया कि दिन प्रेजेंट है, टोटल वर्किंग डेज निकाला, प्रेजेंट डेज एब्सेंट डेज निकाला, अगर प्रीवियस का इसका कोई अर्नड लीव्स है उसके बाद बात की हमने, और एट लास्ट हमने देखा इसका सैलरी पेबल। तो ये हो गया सैलरी पेबल, तो एक पेरोल शीट पर बन गया हमारा। तो आज के बस इतना रखते हैं, बाय। ओह ये नहीं है।